Sheth Sudarshan. मगध नाम के देश में राजगृही नाम की नगरी थी। राजगृही के बाहर की ओर एक बाग था जिसकी देखभाल अर्जुन नाम का माली करता है। उस बाग में 1000 किलो वजनी गदा वाले मुद्गर पाणी नाम के यक्ष का मंदिर है। अर्जुन माली और उसकी पत्नी बंधुमती हर रोज यक्ष की पूजा करते हैं। एक दिन अर्जुन माली और बंधुमती यक्ष की पूजा कर रहे हैं, तब कोई कामिल लंपट छह पुरुष अर्जुन माली को खंभे के साथ बांध देते हैं और बंधुमती को उठाकर चलने लगते हैं। अर्जुन माली गुस्से से यक्ष को टकोरता है, यदि तुम जीवित यक्ष हो तो तुम्हारी 1000 किलो के वजन वाली गदा को उठाओ। यक्ष भी अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश करता है। अर्जुन माली उन छह पुरुषों और बंधुमती की हत्या करता है। उस दिन से अर्जुन माली हर रोज छह पुरुष और एक स्त्री की हत्या करता है। श्रेणिक राजा के सैनिक नगर में घोषणा करते हैं, जब तक अर्जुन माली 7 हत्या न कर दे तब तक किसी को घर से बाहर निकलना नहीं है। उसी दौरान भगवान महावीर स्वामी का राजगृही नगरी में आगमन होता है। इसकी जान होने पर सेठ सुदर्शन पिता की ना के बावजूद भी भगवान के दर्शन करने महल से बाहर निकलते हैं। सेठ सुदर्शन को देखते ही यक्षविष्ट अर्जुन माली उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। अर्जुन को देखकर सेठ काउसक ध्यान में नमस्कार महामंत्र का जाप करने लगते हैं। महामंत्र के प्रभाव के कारण अर्जुन के शरीर से मुद्गर पाणी यक्ष निकलकर भाग जाता है। सुदर्शन सेठ अर्जुन माली को समझाते हैं कि यक्ष के प्रभाव के कारण किस तरह मानव हत्या के पाप किए थे। अर्जुन भी बहुत दुखी हो जाता है। दोनों भगवान के पास जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनकर अर्जुन का वैराग्य जाग जाता है और अपने पापों के क्षय के लिए भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करता है। अर्जुन मुनि छठ के पारणे छठ करते हैं। पारणा के दिन अर्जुन मुनि गोचरी वहरने जाते हैं, तब नगरवासी उन्हें हत्यारा अर्जुन माली के रूप में याद कर मारने लगते हैं। 6 महीने तक ऐसे उपसर्ग को सहकर और अनशन कर अर्जुन मुनि केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बच्चों, यदि आप हर रोज 108 बार नमस्कार महामंत्र का जाप करेंगे तो सेठ सुदर्शन की तरह आपको कोई भी आपत्ति, दुख, अंतराय बाधित नहीं होंगे।